हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट क्लास एंड अवेयर और कॉन्सेप्ट सर क्रिस्टल के लिए। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल फोरमैन होता क्या है, हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, क्वालिटीज और क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा सिविल फोरमैन बनने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर सबमिट कर दें जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिविल फॉरमैन मीनिंग, जो सिविल फॉरमैन होता है ये एक ऐसा शख्स होता है जो मैनेज करता है और सुपरवाइज करता है, नजर रखता है कंस्ट्रक्शन के काम के ऊपर, जिस भी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब जिस जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, ये इंश्योर करते हैं जो टीम है, कंस्ट्रक्शन की जो टीम है वो प्लान को फॉलो करे, मीन्स जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है उससे रिलेटेड जो भी ब्लूप्रिंट्स होते हैं उसके हिसाब से काम करे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें कंस्ट्रक्शन का काम करते टाइम टीम, और डेडलाइन से पहले काम को पूरा कर दें। किस शख्स को कौन सा काम करना होता है, हमारा सिविल फोरमैन उन्हें बताता है, असाइन करता है टास्क। ओके, कंस्ट्रक्शन का काम करते टाइम कोई इश्यूज या प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो उसे सॉल्व करने का काम करते हैं, और हमारे काम की क्वालिटी कैसी है उसको भी ये चेक करते हैं। बेसिकली जो भी काम आप कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, उसमें मकारी से नहीं करना, उसमें क्वालिटी वाला काम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी मतलब मकारी से काम करोगे तो हो सकता है जो भी काम आपने करा कंस्ट्रक्शन का उससे कोई हादसा हो जाए। हम कह सकते हैं एक सिविल फोरमैन की रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन का जो भी प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट, सुपरवाइजिंग वर्क, वर्कर्स पर नजर रखनी होती है, इंश्योर करना होता है जो भी काम उन्हें दिया गया है वो उसे पूरा करें करेक्टली। प्लानिंग टास्क, आज आपको क्या काम करना है, कल क्या काम करेंगे, ये सब आपको प्लान करना होते हैं। ओके, टास्क को फॉलो प्लान्स, कंस्ट्रक्शन का काम करते टाइम आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि भाई हमारी बिल्डिंग तैयार होके कैसी दिखेगी, तो जो भी ब्लूप्रिंट आपने बनाया है जब आपका काम पूरा हो जाए तो ब्लूप्रिंट से आपका काम मैच करना चाहिए। पता चला आपने ब्लूप्रिंट बनाया था दो मंजिला का, बट आपकी जो टीम है उन्होंने एक ही मंजिला बनाई है, तो इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वालिटी चेक्स, आपको मेक श्योर करना होता है जो आपके काम की क्वालिटी है वो अच्छी है, मींस आपको काम को मकार से नहीं करना, क्वालिटी वाला काम करना है। नेक्स्ट, टीम कोऑर्डिनेशन, किस शख्स को कौन सा काम करना है ये आपको उसे असाइन करना होता है। ओके, और वर्कर्स को उस काम को पूरा करने में मदद करनी होती है। सेफ्टी रूल्स, आपको इंश्योर करना होता है कंस्ट्रक्शन का काम करते टाइम सेफ्टी का ध्यान रखें, जो भी सेफ्टी गाइडलाइन बनाई गई हैं सरकार के द्वारा वो आपके वर्कर्स फॉलो करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंस्ट्रक्शन का काम करते टाइम कोई भी इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकते हैं, ओके, तो उन्हें सॉल्व करना होता है। मटेरियल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन के काम में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, मींस रेत, गिट्टी, सीमेंट, ये सब यूज करते हैं हम, है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, तो इनकी क्वालिटी को चेक करना। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसकी रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर्स को देनी होती है, बेसिकली मैनेजर्स को। टाइम मैनेजमेंट, आपको मेक श्योर करना होता है जो भी कंस्ट्रक्शन का टाइम आपको दिया गया है उस दिए गए टाइम में आप उस काम को पूरा कर सकें। एंड लास्ट आती है क्वालिटीज या फिर स्किल्स। फर्स्ट, लीडरशिप, आपको गाइड करना और मैनेज करना होता है कंस्ट्रक्शन की टीम को इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन, आपको इंस्ट्रक्शन देना होते हैं और टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करना होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन किसे देंगे, वर्कर्स को, और एक काम पूरा होगा तो दूसरा काम आप उन्हें देंगे। ओके, तो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है और कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज होता है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई से भी इश्यूज सामने आ जाए या कोई से भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए तो आपको उस प्रॉब्लम का एक क्विक सोल्यूशन और इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। टाइम मैनेजमेंट, आपको काम को दिए गए टाइम में पूरा करना होता है डेडलाइंस खत्म होने से पहले। अटेंशन टू डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन का काम करते टाइम हमें छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होता है, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा हादसा करवा सकती है फ्यूचर में। सेफ्टी अवेयरनेस, आपको इंश्योर करना है जो आपकी टीम है वो सेफ रहे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे। ओके, टीम वर्क, आपको अकेले काम नहीं करना, कंस्ट्रक्शन के जो भी वर्कर्स होते हैं उनके साथ काम करना होता है और जो आपके सुपीरियर्स होते हैं मींस कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स होते हैं उनके साथ भी काम करना होता है, आपको एक माध्यम की तरह काम करना होता है वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, तो आपके अंदर टीम क्वालिटीज भी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन आप लें
वो स्मार्ट डिसीजंस हो। एंड लास्ट फिजिकल स्टेमिना। कंस्ट्रक्शन का काम जब भी आप करोगे तो आपको कई घंटे काम करना होता है, तो आपके अंदर फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए। आप एक जगह खड़े हो फिर आप दूसरी जगह चले गए, कोई सा सामान आप उठाने में हेल्प कर रहा हो, तो उसके लिए स्टेमिना तो चाहिए ना। वो स्टेमिना के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो। तो ये सारी क्वालिटीज और स्किल्स एक अच्छे सिविल फॉरमैन के पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में पूछें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।